और मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होगे। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर रैंकपुश वीडियो में। अब आज की वीडियो में तुम लोगों को बिल्कुल MAZZA आ जाएगा, बोले तो एकदम स्वाद गेम प्ले। अब देखो, आज की वीडियो में रहने वाले दो गेम प्ले, और तुम्हारे भाई ने पिछले दो दिन से गेम नहीं खेला है, तो देखो बस दो दिन के बाद कैसा खेलते हैं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने भी वाला हूँ कि टॉप 10 कैसे कर रहा है आप लोगों ने, क्योंकि भाई बहुत से बंदे बस यही कमेंट कर रहे हैं कि भाई टॉप 10 हो ही नहीं रहा हम पे, तो दिक्कत किस बात की है। मैं बताऊंगा ना कि टॉप 10 कैसे करना है, वो अलग बात है, मेरे पे खुद नहीं हो रहा, लेकिन मैं बताऊंगा तुम्हें, रुक जाओ। अब देखो, लैंड कैसे किया जाता है तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और इस तरीके की लैंडिंग सीखने के लिए ना आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस दो चार दिन गेम नहीं खेलना है, आप लोग ऐसी लैंडिंग सीख जाओगे। मेरी एक चीज हमेशा याद रखना इस वाली वीडियो के लिए कि मैं दो दिन के बाद गेम खेल रहा हूँ, अगर कहीं पे भी हगा तो बस यही बहाना देने वाला हूँ। अब मेरी दोनों गनों में एमो देख सकते हो आप लोग। हाँ, तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी अच्छी फाइट्स निकाली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ यार, VIP ट्रीटमेंट मिल गया मुझे, मैं प्लेन में आ गया सीधा। हाँ, तो तुम लोगों को भी बस ऐसे ही खेलना है, इवेंट पे जाओ या तो गाड़ी लेके जाओ या फिर डायरेक्ट जाओ, और किल निकलते हैं तो ठीक है, वरना मरना तो है ही। उसके बाद आप लोगों को जाने सीधा जोन के बाहर अपोजिट डायरेक्शन में, दूर जाते रहो, बिल्कुल तुम्हें जोन के अंदर शकल ही नहीं दिखानी और बॉडी भी नहीं दिखानी, कहीं तुम शकल पे कोई सा मास्क वास्क पहन के शकल छुपा के घूम रहे हो जोन के अंदर। उसके बाद थर्ड सर्कल तक आराम से अपनी लूट वूट कम्प्लीट करो जोन के बाहर, और जैसे ही थर्ड सर्कल स्टार्ट होता है ना, तब आप लोगों को अपनी रोटेशन स्टार्ट करनी है। और देख सकते हो ये होता है थर्ड सर्कल मेन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि थर्ड सर्कल तक आप लोगों को जोन के बाहर लूट वूट करनी है, जोन सा सर्कल दिखाया मैंने अभी। उसके बाद आप लोगों को अपनी रोटेशन स्टार्ट करनी है, जैसे वो सर्कल स्टार्ट हो जाता है, और फोर्थ सर्कल में जाके पकड़ लो सीधा जोन का सेंटर या फिर जोन के अंदर कोई अच्छा सा कंपाउंड या फिर सेक्ट। अब देखो, मैं लगभग जोन के सेंटर में पहुंच चुका हूं, और ये वाला सर्कल जैसे ही टच होगा ना, तो जहां पे भी जोन का सेंटर बनेगा मैं तुरंत वहां पे चला जाऊंगा। आप लोगों को बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, बस देखते रहो। अब देखो, नया सर्कल जैसे ही बनता है मैं तुरंत निकल लेता हूँ जोन का सेंटर पकड़ने के लिए। अब भाई आप लोग देख ही सकते हो, जोन का सेंटर ना आप लोगों को 90% खाली मिल ही जाएगा, आप लोगों को बस जल्दी आना है, बिल्कुल एकदम सेंटर बनते ही तुरंत आ जाना है सेंटर में, तो आप लोग आराम से होल्ड कर सकते हो, और पुश तो आपके ऊपर आएगा नहीं, जो अगल बगल से रोटेशन जाती है बस उन पे स्प्रे लेते रहना। और अब यहाँ पर देख सकते हो अपना एक किल, और बस आगे का गेम प्ले देखो कैसे निकालता हूँ मैं और कितने किल्स निकालता हूँ। आप लोगों को बस हर एक व्हीकल पे स्प्रे लेना है। और आपके ऊपर हमेशा थर्ड पार्टी होगी, तो थोड़ा देख दाग के स्प्रे लेना, कहीं तुम ओपन में खड़े होकर दूसरे पे स्प्रे ले रहे हो, तुम्हारे UAV पे कवर खुदी। अब मेरे पास थोड़ी सी एमो की कमी थी, तो मैं अपने व्हीकल से एमो निकाल लेता हूँ स्मोक करके। और अगर आप लोग ऐसे खेलोगे ना, तो आप लोगों का 101% टॉप 10 हो जाएगा और किल्स भी अच्छे खासे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे जोन का सेंटर होल्ड करके नहीं खेलना है, तो फिर आप लोगों को ये वाला सर्कल भी जोन के बाहर आराम से सर्वाइव करना है। आप लोगों को सीधा डेथ सर्कल में जोन में एंट्री लेनी है और होल्ड करना है सीधा जोन के एज पे, और एज पे भी ऐसे नहीं कहीं पे भी ऊपर में पड़ जाओ, हमेशा ऐसे होल्ड करना है कि पीछे से आपको जोन का कवर हो, क्योंकि भाई डेथ सर्कल में एंट्री लोगे तो जोन के बाहर से कोई भी नहीं मारेगा, और आगे से आपके कोई भी पत्थर या फिर कोई बुश वुश का कवर होना चाहिए या फिर पेड़ का भी चलेगा, और साइड से आपको अपने व्हीकल का कवर बनाना है। अब देखो, मैं कितना ज्यादा ओपन में आ गया था, तो बस ये वाली गलती नहीं करनी है। और आप लोगों को हमेशा स्प्रे का ट्राई तो करना ही है, लेकिन थोड़ा कवर में रहकर। और अब जाके अपने दो किल हुए, बस एंड तक देखना अपने कितने किल होने वाले और कितने फ्री किल्स मिलेंगे बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके पास पोजीशन है ना, तो आपको किल्स तो हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। अब नेक्स्ट सर्कल भी बनने वाला था और ये भी अपने ऊपर ही बन जाता। अब इस वाले मैच में ना मेरे पास बस स्कोप नहीं था, वरना अपने और किल्स हो सकते थे, क्योंकि दूर दूर ओपन में बंदे बहुत से फंसे हुए थे, लेकिन मुझे दिख ही नहीं रहते सही से। अब बेशर्मी देख रहे हो मेरी, नहीं मतलब वैसे ही आधा डैमेज हो चुका था, उसके बाद भी दूसरों पे स्प्रे ले रहा हूँ बाहर ही खड़े होके, तो ये वाली गलतियां मत करना, नहीं तुम्हारी पेटी मिलेगी। अब सामने वाले बंदे को तुम्हारा भाई एकदम पिन करके बैठ जाता है कि जैसे स्पॉट होगा तुम्हारा भाई आराम से किल कर देगा।
अब ये वाला भाई तो अपने को इजिली स्पॉट हो जाता है, तो इसको किल कर देते हैं, क्योंकि एंड सर्कल में आपकी गाड़ियों के टायर तो फूटने एकदम नॉर्मल बात है। तो आप लोग भी ना हमेशा अगर जोन के अंदर आपके पास पोजीशन है तो आप हमेशा जोन के बाहर वाले बंदों को देखा करो, क्योंकि जोन के अंदर वाले तो रोटेशन लेंगे नहीं, जोन के बाहर वाले बंदे आपको इजिली स्पॉट हो जाएंगे, जैसे कि मुझे ये वाला बंदा स्पॉट हुआ। अब आप लोग देख सकते हो अपना इजली टॉप 10 भी हो गया और 4 किल भी हो गए यहाँ पे बैठे बैठे। और अब देखो मैं बस रोटेशन कब लूंगा और कैसे लूंगा। अब जोन जब स्टार्ट होने ही वाला होता है तब मैं अपनी रोटेशन स्टार्ट करता हूँ, और रोटेशन लेने से पहले ना हमेशा स्मोक का यूज कर लिया करो, क्योंकि अगर कोई पीछे लेटा होगा ना तो तुम्हारी ऐसी पेटी बनाएगा तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अब आप लोग देख ही सकते हो अभी अपने पीछे एक बंदे ने होल्ड कर रखा था, अगर मैंने स्मोक ना करा होता ना तो गाड़ी के टायर की जगह मैं फूटा फूटता। अब देखो जो ये अचानक से स्क्रीन ऊपर गई है ना, यही दिक्कत होती है जब तुम 2-3 दिन के बाद खेलते हो, मतलब भाई कंट्रोल सही से नहीं होते और बहाना नहीं है ये। और बाकी मेरे ग्रेनेड्स तो तुम लोग जानते ही हो, कार स्प्रे की कमी है, रुको दिखा देंगे। अब इस वाले मैच में इजिली सर्वाइव करते करते अपने अच्छे खासे 5 किल हो चुके थे और मैं 1 किल के साथ आया था। और इस वाले मैच में ना मैंने बहुत से स्प्रे आप लोगों को दिखाई नहीं है जिनमें मैंने हक दिया, क्योंकि भाई स्प्रे आजकल अच्छे जा नहीं रहे ज्यादा, वरना अभी और भी ज्यादा किल्स होते अपने। तो आप लोगों को भी बस ऐसे ही खेलना है, ज्यादा मतलब किल्स के पीछे मत जाया करो, जिनसे फाइट हो रही है बस वहाँ पे फाइट निकालने का मतलब रखा करो। अब ये ब्लैक भाई को ब्लैक लैम्बो से जो ही उतारा है ना, लेकिन तुम लोगों ने लाइक के बटन को ब्लैक नहीं किया। अब मेरे अलावा बचा था सिर्फ और सिर्फ लास्ट बंदा, और यहाँ पे बस देखना मैं क्या ही हरकतें करने वाला हूँ। अब मेरे ग्रेनेड से इसको डैमेज पड़ा कि नहीं पड़ा वो तो पता नहीं, मुझे जरूर पड़ गया, और इस भाई ने बढ़िया स्मोक में एडजस्ट कर दिया। अब उस मैच में अपने को अच्छा खासा 24K+ मिल गया था। बात करें अपने सेकंड गेम प्ले की, तो इस वाले मैच में तुम्हारा भाई गाड़ी लेके गया था रिकॉल पे, रिकॉल उठाया और फिर मैं लूटने लग जाता हूँ छोटे छोटे कंपाउंड्स। अब देखो ये वाला गेम प्ले पूरा देखने से पहले मेरी 2 मिनट की बस दुख भरी दास्तान सुन लो। अब देखो मैंने इस बार बोला था कि अपने को पॉपुलैरिटी बैटल कुछ भी करके हर बार जीतनी है, और ऐसा नहीं है कि अपने को पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही, आप लोगों का इतना नेक्स्ट लेवल सपोर्ट है ना, तुम्हारे भाई को 2 बार 90-90 हज़ार के आसपास पॉपुलैरिटी मिली है 3 दिन में, जो बैटल होती है उसमें 2 बार मुझे 90 हज़ार के आसपास पॉपुलैरिटी मिली है, और हर बार मुझे 25 से 30 हज़ार के बीच में पॉपुलैरिटी मिली है हर बार। और देखो जो मुझे 2 बार 90-90 हज़ार पॉपुलैरिटी मिली थी ना, मैं उसमें भी हार गया, और हारा कैसे, मेरे सामने वाले की थी 10 हज़ार के आसपास पॉपुलैरिटी रात तक, और जब 5-6 घंटे बचे थे उस वक्त तक मैं आराम से जीत रहा था। 12 बजे के आसपास मैं सो जाता हूँ, हमेशा देख के सोता हूँ तुम्हारा भाई आराम से जीत रहा होता है, लेकिन भाई सुबह उठ के देखो मैं हार गया। अब देखो बैटल खत्म होती है लगभग 5:30 बजे के आसपास, ये बंदे 5:28 तक देखते रहते हैं, 1-2 मिनट पहले ये पेड पॉपुलैरिटी खरीदते हैं और बस जीत जाते हैं। लेकिन भाई मुझे ये नहीं समझ आता पेड कौन खरीदता है, उससे क्या मिल जाता है, पेड पॉपुलैरिटी खरीद के तुम पॉपुलैरिटी बैटल तो जीत जाओगे, लेकिन पॉपुलैरिटी का मतलब क्या होता है कि तुम कितने पॉपुलर हो, लेकिन क्या फायदा भाई, जानते तो तुम्हें तुम्हारे गली के कुत्ते भी नहीं है। अब ये उन्हीं के था जो पेड पॉपुलैरिटी खरीदते, क्योंकि भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, 90-90 हज़ार पॉपुलैरिटी पे मैं हार गया, और जब मैं 90 हज़ार पॉपुलैरिटी पे भी हार गया ना, तो तुम्हारे भाई ने पिछले 7-8 वीडियो से आप लोग देख सकते हो मैंने पॉपुलैरिटी के बारे में बोलना ही छोड़ दिया, अपनी किस्मत ही इतनी खराब है, मेरे सामने वैसे बंदे आते जो पेड पॉपुलैरिटी लेते हैं, अभी तक 6 या 7 बैटल हो चुकी है, मैं सिर्फ 2 जीता हूँ, और बाकी सब में मेरे साथ यही सीन हुआ है, रात तक जीत रहा होता सुबह उठा देखा हार गया। अब मैं हर बैटल हार रहा हूँ मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने इस बार छोड़ दिया था कि अब अपने को जीतना ही नहीं है, लेकिन इस बार तो भाई हद ही हो गई, इस बार मेरे सामने आई है कोई लड़की नाम की, अब पता नहीं कौन है, लड़की है कि लड़का है, अब उसका मैसेज मुझे आता है कि अपनी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़वाओ ताकि मैं मतलब जीतूं तो मुझे ज्यादा पॉइंट मिले, मतलब भाई उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जीत जाएगी, तो भाई मुझे जहां तक लग रहा है ये भी पेड ही लेगी पॉपुलैरिटी। अब देखो तुम्हारा भाई बाकी पॉपुलैरिटी बैटल जीते ना जीते ये वाली जरूर जीतनी, अब ये पॉपुलैरिटी बैटल खत्म होगी कल, तो आप लोगों पे जितनी भी पॉपुलैरिटी है ना सारी भेज दो और फ्रेंड टू कैश भी भेज दो, तुम्हारा भाई हर एक बंदे की फ्रेंड टू कैश एक्सेप्ट करेगा, बस बदले में आप लोगों को करना ये है कि डेली मुझे बीपी वाली और 3 वाली पॉपुलैरिटी सेंड करनी है।
और बहुत से भाई हैं जो कि मुझे डेली फ्री वाली पॉपुलैरिटी अब नहीं भेजते हैं, जो फ्रेंड लिस्ट में आ चुके हैं, तो मैं बहुत जल्दी उन्हें हटा भी दूंगा। क्योंकि आप लोगों को अगर फ्रेंड लिस्ट में रहना है तो सिर्फ और सिर्फ 110 पॉपुलैरिटी भेजनी है डेली की, 100 बीपी वाली और 10 फ्री वाली। अब भाई मेरी फ्रेंड लिस्ट में रहने के लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि सिर्फ 100 बीपी वाली और 10 फ्री वाली पॉपुलैरिटी सेंड कर सकते हो। और आप लोग जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी सेंड करोगे मुझे आप लोगों का नाम उतना ही ज़्यादा याद रहेगा और आप लोगों को कभी भी फ्रेंड लिस्ट से नहीं हटाऊंगा। अब भाई मेरा पूरा का पूरा दिमाग खराब हो गया, हर एक बैटल तुम्हारा भाई रात के 12 बजे तक जीत रहा होता है। अभी ये लास्ट के 2-3 मिनट में पेड पॉपुलैरिटी ले आते और जीत जाते, पता नहीं क्या मिल जाता है इनसे इससे। अब भाई वो देख लेना, अपने को ये वाली बैटल तो जरूर जीतनी है। तो आप लोगों पे जितनी भी पॉपुलैरिटी हो अपने भाई को सेंड कर देना, और बाकी अगर आप लोगों को फ्रेंड लिस्ट में आना है तो बस डेली की 110 पॉपुलैरिटी आप लोगों को सेंड करनी होगी। अब देखो भाई वो बात करें इस गेम प्ले की, तो अब मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, क्योंकि वैसे ही फालतू की बकवास करने में ये वीडियो ज्यादा लंबी हो गई। अब मैं आ जाता हूँ सीधा जोन के सेंटर में ये वाला कंपाउंड होल्ड करने के लिए, और ये अपने को मिल जाता है खाली। अब इस वाले मैच में अपने 2 किल थे और लूट भी मेरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि एक बंदे से काफी देर तक फाइट चलती है, वो ना मुझे मार पाता है ना मैं उसे मार पाता हूँ। इस वाले मैच में अपना रिकॉल भी वेस्ट ही जाता है, मतलब भाई यूज ही नहीं हुआ। वैसे यूज भी हो जाता तो भी वेस्ट ही जाता है हर मैच में। लेकिन देखो अब इस वाले मैच में तुम्हारे भाई ने बस एक ड्रॉप लूट लिया था, जिसकी वजह से अपने को ग्रोजा मिल गई थी और लेवल 3 का सामान मिल गया था। बाकी नेड मोली एमओ ज्यादा नहीं है अपने पास। अब मानता हूँ हक दिया, इसलिए उतरना चाहिए था ये बंदा, लेकिन अब जैसे तैसे ये बंदा उतर ही जाता है, बाकी तो तुम्हें पता ही है 2 दिन बाद। अब धीरे धीरे दोबारा से सही कर लेंगे स्प्रे, बाकी आप लोग अब ये वाला स्प्रे एंजॉय करो। और किसी भी भाई को पेड पुश कराना हो तो मुझसे इंस्टा पे बात कर सकते हो। अब स्टार्टिंग में इस वाले स्प्रे में भी पूरा का पूरा हग ही दिया था, बस उतार दिया जैसे तैसे इस भाई को भी। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्मोक था और अपने पास लूट की कमी, और जोन का सेंटर दोबारा से अपने ऊपर बन जाता है, तो मुझे पता था अपने को चाहिए लूट, तो मैं सामने वाली पेटी लूटने के लिए स्मोक करता हूँ। तभी आते हैं यहाँ पे एक और रोटेशन, और देखो एक और हग्गू स्प्रे। अब देखो अगर मैंने ये वाला स्प्रे हगा ना होता तो यहाँ पे इस बंदे की पेटी होती, या फिर अगर मेरे पास नेड होता तो भी इस बंदे की पेटी होती। अब तुम समझ ही सकते हो इतने बहाने दे रहे हो भाई, वीडियो की लेंथ देख के समझ जाओ मर गया भाई मैं यहाँ पे। अब किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है, अब मैं पता है गन चेंज करके इसका गैस कैन ही फोड़ देता और ये इजीली किल हो जाता, लेकिन इसका बस एक हेड लग गया। अब #13 पे मर गया। वैसे इस बंदे को मैं इजीली किल कर सकता था, लेकिन मैंने ही हक दिया और इस मैच में भी अपना इजीली टॉप 10 हो जाता। बाकी ये भाई भी मर गया तो थोड़ा सा सुकून मिल गया अपने को। और बाकी भाई ये वाली बैटल जीतने के लिए पॉपुलैरिटी सेंड जरूर करना, आप लोगों को मेरी ID डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी रैंक पुश करवानी हो तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम सारे भाइयों को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।